पहले सेनेटर्स। मैं जानता हूं तुम यही हो। सामने आओ। सामने आओ। सब कुछ ठीक है सेनेटर, बस एक तोता था। मैं आ रहा हूँ। सॉरी। हाँ बोलो। तुम टोप पहने हो, मतलब मुखौटे वाले बागी जरूर एंटोनियस को। देखो दोबारा ऐसा मत करना। मेरा उनकी बातें सुनना जरूरी है। एक बार सेनेटर्स का खात्मा हो जाए उसके बाद क्या होगा? फिर हम जीसस के एक दो फ्रेंड्स को पकड़कर उन पर वो इल्जाम लगा देंगे और क्या। मुझे अब भी नहीं पता उन ड्रम्स में क्या है। मुझे पता है। मैगी। बाहर सचमुच कोई है। मैं यहाँ पर नजर रखता हूँ सेनेटर। वो ऊपर वाली खिड़की खुली है, वहां से भाग गए होंगे। मैं उनका पीछा करूँ? सब जानते हैं मैं लड़ने में कितना अच्छा हूँ। उसकी जरूरत नहीं है टोबायस। ओह शुक्रिया सेनेटर। वो जो भी था दूर नहीं गया होगा। खून थोड़ा सा ही है। उससे फर्क नहीं पड़ता, खून में जो है वो मायने रखता है। सांप का एक डंक उस बिन बुलाए मेहमान को खत्म कर देगा, जैसे हमारे प्यारे प्यारे सेनेटर्स को मार देगा। फिर भी एहतियात के तौर पर हम ये ड्रम्स कहीं और छुपा देंगे। फिर हमें कुछ नहीं होगा ना? मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम अपनी फिक्र करना शुरू कर दो। मतलब नीचे देखो। रुको, तुम कर क्या रहे हो? अलेक्जेंड्रिया में सबको अपने शरीर से ज्यादा जहर निकालना आता है, इससे जहर का असर कम हो जाता है। लेकिन असर करता है? वो छोड़ो, हमारे पास वक्त नहीं है। मुझे एंटोनियस के पास ले चलो, वो बताएंगे क्या करना है। लगता है मैं बेहोश होने वाला हूँ। नहीं मैकी, तुम्हें जागते रहना होगा। किसी और चीज पर ध्यान लगाओ। किस पर? मुझे कोई पुरानी कहानी सुना सकते हो? मुझे नहीं लगता। मुझे एक कहानी सुनाओ अभी। ठीक है, तुम जोसेफ को जानती हो? जब वो एक नौजवान थे, उन्हें इजिप्ट से लाकर गुलाम बनाकर बेच दिया गया था, फिर झूठा इल्जाम लगाकर जेल में डाल दिया गया। मुझे याद है। जेल में जोसेफ फेरो के दो नौकरों से मिले, एक बावर्ची था और दूसरा शराब परोसने वाला। दोनों को जोसेफ बहुत पसंद आए क्योंकि वो उन्हें उनके सपनों का मतलब बताते थे और उनका भविष्य बताते थे। दो साल बाद शराब परोसने वाला जेल से छूटकर अपने काम पर लौट आया। फेरो को अजीब अजीब सपने आते थे। उसने सपना देखा कि वो इजिप्ट में नाइल नदी के पास खड़ा है और उसके सामने सात हट्टी कट्टी गायें हैं जो घास खा रही हैं। फिर उसे सात और गायें दिखी जो बहुत पतली और कमजोर थी। नहीं, फेरो उठ गया, लेकिन उसे फिर नींद आ गई और उसने एक और सपना देखा। इस बार उसने एक डंठल पर सात मकई के भुट्टे देखे जो खिले और पूरी तरह से तैयार थे। फिर अचानक और सात मकई के भुट्टे उधर आए जो काले जले झुलसे हुए दिख रहे थे। फिर उन खराब मकई के भुट्टों ने अच्छे वालों को निगल लिया। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ?
फेरो उन सपनों से बुरी तरह से डर गया था। उसने अपने जादूगरों और सलाहकारों को बुलाया, लेकिन कोई भी उन सपनों का मतलब नहीं बता सका। शराब परोसने वाले को जोसेफ की याद आई। उसने फेरो को बताया कि जोसेफ ने उसको और बावर्ची को उनका भविष्य बताया था, इसलिए फेरो जोसेफ को जेल से ले आया। फेरो ने जोसेफ को अपने सपनों के बारे में बताया और फिर दोनों सपनों का एक ही मतलब है, आपको आगाह करते हैं कि 7 साल अच्छी फसल होगी, लेकिन उसके तुरंत बाद 7 साल अकाल पड़ेगा। आपको जरूरत है एक समझदार और अक्लमंद इंसान की, जो जिम्मेदारी उठाए और आने वाली विपत्ति की तैयारियां करे। ईश्वर ने जब तुम्हें ये सब दिखाया है तो फिर तुमसे ज्यादा समझदार कौन होगा? मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपता हूँ। जोसेफ ने फेरो को बताया कि जब तक फसल अच्छी होती है तब तक उसमें थोड़ा थोड़ा अनाज अलग हटाकर रख दिया जाए आने वाले अकाल से बचने के लिए। फेरो ने जोसेफ को अपना खास आदमी बना दिया। मैकी, तुम्हारी तो आवाज भी नहीं निकल रही। मुझे आराम करना है। ठीक है, यहाँ बैठ जाओ और ये कपड़ा मुझे दे दो। बोर्शिया, क्या बात है मैकी, देखो कौन आया है। मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। तुम्हें सिर्फ हमें सेनेटर एंटोनियस के घर पहुंचाना है। इसे? पर मुझे तो बागियों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। हाँ, लेकिन क्या यहाँ तुम्हें कोई बागी दिख रहा है जिसने कुछ किया है? लेकिन ये तो किसी पर इल्जाम लगाने से पहले सोच लेना। तुम्हारा काम है रोम में रहने वालों की सेवा और रक्षा करना, है ना? हाँ, अपनी आखिरी सांस तक। और मैकी रोम में रहता है, मालूम है ना? रहता तो है। एक बात और याद दिला दूँ, मैं तुम्हारे बॉस जनरल टाइबेरियस की भतीजी हूँ। क्या तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ दोगे जब खतरनाक बागी आजाद घूम रहे हैं? शायद ये आपका है, लीजिए। ये बीमार है, इसे आपकी मदद चाहिए। जरूर मिलेगी। हर्मिया, किसी को इसके बारे में बताना मत। मैं इस बात को राज ही रखूंगी। पोर्शिया, आखिर तुम्हें मैकी मिला कहाँ पर? मुझसे छुपाने का कोई फायदा नहीं है, मैं जानती हूँ आप कौन हैं, और आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या होने वाला है। हर्मिया, मैकी ठीक हो जाएगा ना? हाँ बेटा, अगर ये आज की रात काट ले हमें जल्द ही पता चल जाएगा। पोर्शिया, मुझे हमेशा की तरह वहाँ पर नहाने जाना ही पड़ेगा। मैं इस हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपको कुछ तो करना ही होगा, आप हमारी इकलौती उम्मीद हैं। अगर मैं सबके सामने आकर हमले को रोकूं तो वो लोग मुझे अपने रास्ते से हटा देंगे, फिर सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। मैं कुछ समझी नहीं। मुझे एक सेनेटर के पद पर रहकर रोम में जीसस के दोस्तों के लिए बहुत कुछ करना है। तो फिर किसी और को ढूंढिए। मैंने ढूंढ लिया है। किसे? मैंने तुम्हें चुना है पोर्शिया। मुझे यकीन नहीं होता मैकी ने मुझसे ये सब छुपाया। उसने इसलिए तुम्हें नहीं बताया क्योंकि उसे तुम्हारी सुरक्षा की फिक्र थी। अब जो मैंने सिखाया है दोहराओ। जैसा कि आपने बताया, बहुत मुमकिन है टोटी सांपों को छत के रास्ते ही अंदर डालेगा, जहां पाइप के जरिए पानी टंकी में आता है। छत के किनारे से, जहां से क्ले पाइप सीधे नहाने के पूल तक जाते हैं। मैं पाइप को बीच में से तोड़ दूंगी और पानी और सांप दोनों छत से बहकर नीचे दलदल में इस जगह गिर जाएंगे, जहां पहुंचकर यकीनन उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम ये काम कर सकोगी? बिल्कुल कर सकूंगी, करना ही होगा।
पता नहीं तुम मुझे सुन पा रहे हो या नहीं, लेकिन मैं अभी जा रही हूँ। पता नहीं मैं कब वापस आऊंगी मैकी, लेकिन लौटकर मैं तुम्हें पहले जैसे मुसीबतों से लड़ते हुए देखना चाहती हूँ। मुझे यकीन नहीं होता तुमने उसे किस किया। सोफिया क्या बताऊं, कुछ समय पहले तक मुझे भी यकीन नहीं होता। हमें जाना होगा पोर्शिया। बच्चों मैकी को आराम करने दो। मैं कभी किसी को किस नहीं करूंगी, सिवाय पापी के शायद। ओह, तुम ये नहीं पूछ रहे थे। अच्छा, तुम कहानी सुनना चाहते हो। ठीक है, एक दिन जीसस और उनके दोस्त एक बड़े से तालाब गैलिली के किनारे पर थे। अचानक जायरस, वहां के मीटिंग हाउस का एक अहम सदस्य, जल्दी जल्दी भीड़ को पार करके आगे पहुंचा। सर, मेरी छोटी बच्ची मर रही है, कृपया उस पर अपना हाथ रख दीजिए ताकि वो ठीक हो जाए। वो गरीब आदमी बहुत उदास था। वो नहीं चाहता था जीसस उसके घर पहुंचने से पहले बीच में कहीं भी रुके। लेकिन जब एक औरत ने जीसस से उसे ठीक करने की विनती की, जायरस के पास खड़े रहकर देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर जायरस के घर से कुछ लोग एक बुरी खबर लाए, उसकी बेटी मर चुकी थी। घबराने की जरूरत नहीं, मुझ पर भरोसा रखो। अरे बच्ची, नहीं, शांत। यहाँ ये सब रोना धोना किस लिए हो रहा है? बच्ची मरी नहीं है, सिर्फ सो रही है। सो रही है? मरी नहीं है। जीसस ने लड़की के माता पिता और अपने तीन दोस्तों के अलावा सबको कमरे से बाहर भेज दिया। चलो बिटिया, उठ जाओ। इसे कुछ खाने को दे दो। और जीसस ने उन्हें इस बारे में किसी से कुछ भी कहने को मना किया। सही समझे फिलिक्स, वो बच्ची उठकर खुद खाना खाने लगी। ओ, क्या तुम्हें भी भूख लगी है? मार्कस, तुम मुझे यहाँ देखकर चौंक क्यों गए? तुम जानते हो मैं हर शनिवार को यहाँ नहाने आता हूँ। आज शनिवार है, मुझे तो याद ही नहीं था। चलो मजे से नहाना। मुझे तो मजा आएगा ही, बहुत मजा। क्या पोर्शिया गलत थी? आखिर तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो? मेरी टीचर की वजह से, वो हमेशा मुझे प्रोजेक्ट्स देती रहती हैं। ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हें पानी की मुख्य टंकी दिखाता हूँ। उस आदमी को देखो। बहुत दुख रहा है। तुम सोच रही होगी कि तेल लाने वाले को पता होना चाहिए कि वो ड्रम स्लिप होते हैं। सही कहा, शायद वो ड्रम्स यहाँ ऊपर लाने वाला है टंकी में डालने के लिए। हाँ, वो चाहे तो तेल ऊपर ला सकता है, लेकिन इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। मैं समझी नहीं। यहाँ मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए ये अभी बंद है। क्या? दरअसल इसे नए सिरे से बनाया जा रहा है, मुझे लगा इसीलिए तुम देखना चाहती हो। फिर ये बताइए, नहाने के लिए पानी कहाँ से आता है? ओह, हमारे पास दो टंकियाँ हैं जो नीचे रखी हुई हैं। जहाँ वो तेल वाला खड़ा है? हाँ, वहीं। शुक्रिया, सब पता चल गया, बाय।
तुम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन मुझे जाना होगा, जानते हो मैं जनरल टाइबेरियस की भतीजी हूँ। तुम महारानी भी होती तो भी मैं यही कहता, तुम सेनेटर नहीं हो, तुम यहाँ काम नहीं करती, और सबसे जरूरी बात यह है कि तुम एक लड़की हो। पर मुझे बहुत जरूरी काम है, सेनेटर्स के नहाने के पानी में बहुत सारे जहरीले सांप छोड़े जाने वाले हैं। ऐसा मजाक किसी ने नहीं किया, जाओ वरना हंसते हंसते पागल हो जाऊंगा। सांप। अब तुम्हें आजादी मिलने वाली है। सुनो, पानी एक मिनट के लिए बहने दो, काम शुरू कर दो। ठीक है। अच्छा लग रहा है ना एंटोनियस? सेनेटर, अगर मैं सच कहूं तो मुझे याद ही नहीं है कि मुझे इससे पहले इतना अच्छा कब लगा था। छुट्टा रख लो। एंटोनियस के लिए संदेश है। सेनेटर के लिए संदेश? माफ करना। जाओ। गुलाबी, ये तो हद हो गई। मैंने पीला ऑर्डर किया था। मैं जाकर देख कर आता हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ हाँ, आ जाइए। जल्दी जल्दी करो पोशा। टंकी खोलो, फिर ड्रम्स खोलना। इन्हें आजाद कर दो टोबायर, इन्हें तैरना बहुत पसंद है। मैं तो अब से कभी नहीं तैरूंगा। लेकिन वो सारे सांप, अब वो कहाँ जाएंगे? ये गया आखिरी ड्रम। मैं हमेशा ये कहना चाहता था, सांपों को छोड़ दो।
और चीखे सुनने को तैयार हो जाओ। बच्चे चीखे सुनाई क्यों नहीं दे रही और मेरे पैर गीले क्यों हो रहे हैं? मार्कस बहुत गुस्से में है, शायद पीले गुलाब की पंखुड़ियां खत्म हो गई होंगी। एंटोनियस, इसमें उसी का हाथ होगा। अब मैं क्या करूं? अब मुझे जाने दो। पहले सेनेटर। आज नहीं। रुको रुको, मैं सेनेटर हूँ। बिल्कुल सही कहा टोबायस, आज नहीं। पिताजी, हमें कब पता चलेगा मैकी ठीक है या नहीं? अभी पता चल जाएगा। मैकी! ये मैंने क्या कर दिया? क्या ये पूरी तरह से ठीक हो गया? मैंने इसे आराम करने को कहा था, पर एक बात तो तय है, ये किसी की नहीं सुनता। घाव ठीक हो रहा है, जहर अब बेअसर हो गया है। इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, बहुत समय पहले तुम्हें किसी कम जहरीले सांप ने काटा था, शायद उसका जहर ही तुम्हारी दवा बन गया होगा। पता है, जब मैं मैकी का ख्याल रख रही थी, मैंने एक पुराना निशान देखा जो बिल्कुल इस जैसा था, लेकिन थोड़ा छोटा था। याद आया, जब मैं छोटा बच्चा था, मुझे सांप ने काटा था और मैं थोड़ा बीमार हो गया था, लेकिन वो निशान तो तुमने वो निशान देख लिया? प्रेज़ द लॉर्ड। नमस्कार, मैं हूँ आरजे गौरव और आपको प्रेरित करना चाहूंगा, प्लीज डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो का नया एप्लीकेशन, जिसमें आप बहुत सारे प्रोग्राम सुन सकते हैं 24 घंटे और सातों दिन। आप रेडियो को सुन सकते हैं, लाइव प्रोग्राम सुन सकते हैं, साथ ही साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है हिंदी बाइबल के दो दो अध्याय आपको दिन में तीन बार सुनने को मिलेंगे, और वो भी ऐसा ऑडियोबल बाइबल जिसे सुनकर आपको सच में बाइबल बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। साथ में खूबसूरत गीत सुनेंगे और लाइव प्रोग्राम्स आप सुन सकते हैं। मैं आपके साथ रेडियो पर मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 9 to 10 आपके साथ आरजे गौरव यानी मैं रहता हूँ, साथ ही साथ में इवनिंग शो में भी आपके साथ रहते हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे टेस्टिमनीज, बाइबल सरमन, बाइबल स्टोरीज और भी बहुत 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 अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स आपको रेडियो पर सुनने को मिलेंगे। सो प्लीज डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो।